अगले साल 5 अलग अलग राज्यों का मुखिया चुना जाना है। इसको लेकर सभी सियासी दल समीकरणों और जनता की आकांक्षाओं के आकलन में जुटे हैं। इस बीच 5 राज्यों के इलेक्शन को लेकर बीते रोज सी वोटर सर्वे जारी हुआ और सर्वे के दावे ने नई सियासी हलचल पैदा करने का काम किया है। सर्वे के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड और गोवा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर के आसार हैं। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 41% वोट हासिल हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 32%, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 15%, कांग्रेस को 6% और अन्य के खाते में 6% वोट जा सकते हैं। सीटों के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी के खाते में 241 से 249 सीटें आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी के हिस्से में 130 से 138 सीटें आ सकती हैं, जबकि बीएसपी 15 से 19 के बीच और कांग्रेस 3 से 7 सीटों के बीच सिमट सकती है। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। आपको सर्वे में 36%, कांग्रेस को 32%, अकाली दल को 22%, बीजेपी को 4% और अन्य को 6% वोट मिलने की संभावना है। सीटों के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी को 49 से 55 सीटें, कांग्रेस को 30 से 47 सीटें, अकाली दल को 17 से 25 सीटें, बीजेपी को 0 से 1 सीट और अन्य को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। अगले साल उत्तराखंड के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर सकती है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 34%, बीजेपी को 45%, आम आदमी पार्टी को 15% और अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। सीटों की अगर बात करें तो राज्य में कांग्रेस को 21 से 25 सीटें, बीजेपी को 42 से 46 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ राज्य में एक बार फिर से अपनी सरकार बना सकती है। पिछली बार राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी, लेकिन वो राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। सर्वे के मुताबिक गोवा में बीजेपी को 24 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 से 5 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 से 7 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 38% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 18%, आम आदमी पार्टी को 23% और अन्य को 21% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 21 से 25 सीटें आ सकती हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए वहां पर कम से कम 31 सीटों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कांग्रेस को 18 से 22 सीटें, एनपीएफ को 4 से 8 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीट मिल सकती हैं। अगर वोट फीसदी के हिसाब से देखें तो बीजेपी को मणिपुर चुनाव में 36% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 34%, एनपीएफ को 9% और अन्य को 21% वोट मिल सकते हैं। इस सर्वे पर अगर यकीन करें तो पंजाब को छोड़कर यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की फिर से चांदी होने वाली है। वहीं केजरीवाल दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब में भी राज कर सकते हैं।